स्क्रिप्ट लिखा गया। और ये भी आप जान लीजिए कि किसी ने कोई अपना मन से बयान नहीं दिया, सारा इस कहानी को लिखी ये एसआईटी टीम, जो अपना दर्द को हटाने के लिए ये सारे स्क्रिप्ट लिखे गए। और घटना को दिन चुना गया उर्मिला देवी के द्वारा, कि जब उर्मिला देवी मतलब श्रेया की पिता और चाचा जैसे घर से बाहर गए है, और तुरंत घटना का जाम दिया गया। क्यों उसी समय दिया गया जब श्रेया के पिता घर में नहीं थे, ये जांच का विषय है। तो मेरा जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक ये तीनों का जो मेरा नुकसान हुआ, यहाँ के एसपी साहब हमको दे देगी, ठीक है। अनुसंधान में मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा पर तो कोई FIR दर्ज नहीं है, लेकिन अनुसंधानकर्ता को कहीं ना कहीं से कुछ लीक मिला तो मेरे बेटे का नाम आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज हम जानने के लिए हम आए हुए हैं कुछ डिहरा गांव में। अब बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस है उनके मालिक हैं, संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, जो श्रेया की जो माँ है, सौतेली माँ, अपनी बेटी को टॉर्चर करती थी, तो बहुत मार तो उसको मुझे ये भी श्रेया की माँ जो है वो कब डेट की? उनकी दो बेटी है, एक बड़ी है श्रेया छोटी थी। हम लोग की जानकारी में श्रेया की जब जन्म हुआ था औरंगाबाद शीला वर्मा के यहाँ, तो उसके मतलब डिलीवरी में ही उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। और ये भी मुझे ज्ञात है कि लगभग 2006 या 2007 का समय होगा, 2006 या 2007 का ही टाइम था। और उसकी माँ को मरने के बाद में उसके परिजन लोगों ने, गांव के लोगों ने, जहाँ गांव सा खैरा है नबीनगर में, खैरा के लोगों ने बहुत वहाँ पर जाकर के डॉक्टर के साथ में मारपीट किया, तोड़फोड़ किया, मारपीट तो नहीं करेंगे, हॉस्पिटल को नुकसान पहुँचाने की नियत से घिराव किया किया। और उसके बाद डॉक्टर ने अपना जान बचाने के लिए उसमें कोई तीसरे आदमी मध्यस्थता किया, और एक मोटी रकम, चाहे वो रकम 1 लाख हो 2 लाख हो 4 लाख हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोटी रकम उसके एवज में ले करके और मामला को शांत कराया गया था। तो आपके बेटे पे जो आरोप लगा धर्मेंद्र और राकेश पे, तो कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है कि इन लोग का संलिप्तता था, और अपना गुनाह जो है राकेश और धर्मेंद्र जो है वो कबूल कर लिए हैं कि इसी गेस्ट हाउस में, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में बलात्कार किया गया और उसके बाद हत्या कर दिया गया। अब देखिए, तो सवाल है कि आप ABM से पूछ सकते हैं कि आखिर नबीनगर में आप ही को क्यों चुना गया? नहीं, वो तो हम पूछेंगे आपसे। हैं, हमने जिस गेस्ट हाउस की हम पहले बात कर लेते हैं कि पुलिस द्वारा तो ये कहा जाता है बबलू चंदा गेस्ट हाउस में पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद साक्ष को छुपाने के लिए 50 किलोमीटर पर दूर पर शव को फेंका गया और हत्या उसी होटल में हुआ। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जब पुलिस को राजनीतिक दबाव, ऊपर के बड़ी पदाधिकारी IG DIG का दबाव जब पड़ा, तो इन लोगों ने जब साक्ष्य पर नहीं पहुंचा, और जब दोबारा इन लोगों ने समय लिया 3 दिन का कि हमको 3 दिन का समय दीजिए, तो वहां पर जब नहीं पहुंचे, चूंकि जहां पर घटना हुई है वहां तो पुलिस गई ही नहीं कभी, घटना तो उसे घर से घटी, घर के लोगों ने किया, और घटना को दिन चुना गया उर्मिला देवी के द्वारा, कि जब उर्मिला देवी मतलब श्रेया की पिता और चाचा जैसे घर से बाहर गए है, और तुरंत घटना का जाम दिया गया। क्यों उसी समय दिया गया जब श्रेया के पिता घर में नहीं थे, ये जांच का विषय है। पूरे नबीनगर में आखिर क्यों जो है कि आप ही के बेटे जो धर्मेंद्र राकेश को उठाया गया, इसलिए और किसी को पुलिस ने क्यों नहीं आरोपी बनाया, गिरफ्तार किया? हमको गिरफ्तार करने में बहुत, पुलिस ने अपना जान बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। एक स्क्रिप्ट लिखा गया कि श्रेया, श्रुति और रोहित, ये तीनों एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं से अटैच थे, चाहे दोस्ती हो ही हो, आपके भी बहुत दोस्त होंगे जिसे आप बराबर फोन पर बातचीत करते होंगे, तो ये तीनों अटैच थे। और श्रुति जो है उसका मकान जो है, घर, चूंकि मेरे बड़े भाई के पोती है, मेरे बड़े भाई की पोती है श्रुति, तो श्रुति की माँ और श्रुति वहाँ पर हमारे मकान के बगल वाले मकान में उन लोग भी मकान बना के रहती है, और उसी में एक अपना ब्यूटी पार्लर खोले हुए है, उसमें सिलाई उलाई भी करती है। तो इन लोगों ने जोड़ा क्यों नहीं, ये तीनों अटैच है, तो कहानी ऐसा बनाया जाए कि इनका होटल है,
इस घटना को होटल से जोड़ दिया जाए, स्क्रिप्ट लिखा गया। और ये भी आप जान लीजिए कि किसी ने कोई अपना मन से बयान नहीं दिया, सारा इस कहानी को लिखी ये एसआईटी टीम, जो अपना दर्द को हटाने के लिए ये सारे स्क्रिप्ट लिखे गए। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद में ये तय कि इन लोगों ने किया कि श्रुति से एक स्टेटमेंट लेना है, बुलवाना है, श्रेया रोहित से ये स्टेटमेंट लेना है, धर्मेंद्र कुमार से ये स्टेटमेंट लेना है, और सारे लोग से अपना टाइप करा कर बाईफुसली करके टॉर्चर करके मारपीट करके और उस पर साइन करा ली। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो उसी बबलू चंदा गेस्ट हाउस में तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी जो है पुलिस जो है दो लोग को गिरफ्तार की है और आरोपी बनाई है। तो प्रमाण देंगे ना आप, तो कह रही है कि मेरे पास प्रमाण, पुलिस तो कह रही है कि मेरे पास प्रमाण है, नहीं है उनके पास प्रमाण। आप ये जान लीजिए कि जिस कमरे को उन्होंने टारगेट किया वो कमरा के ऊपर वाले कमरे में राकेश कुमार की पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसके बगल वाले कमरे में एक इंजीनियर है जो आज साल भर से मेरे के यहाँ रुके हुए हैं, और संजोग बस अभी 2 महीने से उनकी पत्नी भी यहीं थी, मैंने सेकंड तल्ला में इन्होंने घटना दिखाया ग्राउंड मैंने फर्स्ट फ्लोर में, और सेकंड फ्लोर में मेरी बहू, मेरे बच्चे, उसका बच्चा और इंजीनियर साहब पति पत्नी, ये 5 आदमी वहाँ पर परमानेंट रहते हैं। और उसके नीचे वाला कमरे में गैंग रेप हो रहा है, मर्डर हो गया, कोई जाना नहीं, जिसका हस्बैंड ऊपर में उसका हस्बैंड नीचे उसका गैंगरेप कर रहा है। ठीक है, अनुसंधान में मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा पर तो कोई FIR दर्ज नहीं है, लेकिन अनुसंधानकर्ता को कहीं ना कहीं से कुछ लीक मिला तो मेरे बेटे का नाम आ गया। न्याय करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, हमको नहीं है, न्याय तो न्यायालय देगा ना, दोषी कौन है? ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें कि निर्दोष व्यक्ति उसको फंसाया गया, बाद में न्यायालय उसको अपना साक्ष और जो भी उसके होते हैं उसके अंदर उसे छोड़ देता है। तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आज जितने लोग बोल रहे हैं, अगर मेरा बेटा कोर्ट से निर्दोष हो गया तो मेरा जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक ये तीनों का जो मेरा नुकसान हुआ, यहाँ के SP साहब हमको दे देगी? क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि न्यायालय आने के बाद मैं लोकल प्रशासन से न्याय की कभी मतलब ये लोग नहीं कर सकता, इसलिए कि ये आदमी को 27 तारीख को मेरे लॉज पर आए हैं, मेरे झोल पर, और 7 बजे हमसे पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं 27 तारीख को अरेस्ट किए हैं, अब इनका पुलिस डायरी क्या कर रहा है कि मैं 28 तारीख को इनको दोपहर के मैं अरेस्ट किया हूँ, और जब मैं मेरे झोल पर पहुंचा तो इनके बच्चे जो है से पुलिस को देख के भागने लगे, और भागने के क्रम में पुलिस का तो ये भी है, अभी जिस तरह से खुलासा हुआ है कि पुलिस का कहना है ये कि जो दोनों भाई जो थे धर्मेंद्र और राकेश पुलिस को देखकर भाग रहे थे, पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया, जबकि 28 की बोल रहे हैं, 28 को खदेड़ के पकड़े हम लोग, और जब उन पर दबाव बनाए पुलिसिया दबाव तो उन्होंने अपना नाम कबूला और गुनाह कबूला। सोचिए, यहाँ पकड़ लिया, यहीं पर गुनाह कबूल लिए, वो पकड़ रहे हैं रोड पर और रोडे पर गुनाह कबूल कर लिया कि हमने काम किया। सच्चाई है कि 27 तारीख को हम अपने बच्चे को खुद बुला करके, और वहां पर हम नहीं थे, बहुत आदमी थे, उनको हमने दिया, और मैं अपनी गाड़ी से, उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी से उनको थाना पति भेज दीजिए, मेरी अपनी गाड़ी से थाना भेज दिया। अच्छा, थाना में 27 तारीख का 8 बजे रात से फुटेज खंगाला जाए CC कैमरा का, वहां मेरी गाड़ी और मेरे बच्चे का फोटो आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो, इसकी न्यायिक जांच भी हो, अगर CBI जांच नहीं हो रही है किसी कारण बस, लेकिन मेरा तो मांग पड़ रहा कि CBI हो, और नहीं तो न्यायिक जांच, जिसमें बहुत जज की कमेटी बनती है, रिटायर्ड जज लोगों की बहुत बड़े बड़े केस में कमेटी बनी है, ये कमेटी बना कि इसकी सच्चाई एकदम निष्पक्ष जांच की जाए, और उसमें दूध और दूध का पानी हो जाएगा। मेरे बेटे को किसी ने मर्डर करते हुए देखा तो बतावे हमको कोई गवाह। प्लस पुलिस कितनी गलत काम करती है कि जब मेरा बेटा को अरेस्ट किया गया, यहाँ से ले जाया गया, चाहे यहाँ से इंक्वायरी में, तो क्या किसी हमारे अगल बगल वाले जितने मकान बने हुए हैं उसे कभी
पुलिस ने कुछ पूछी क्या नाम दिया अपने दो कांस्टेबल को गवाह बना दिया। हम लोग वहां पर 20 आदमी है जिसमें बच्चे को लेके आए, काहे ने किसी से पूछताछ किया अपने 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 दो कांस्टेबल को गवाह बना दिया। आपका जो सिपाही है वो डीएसपी के विरोध में बोलेगा, एसपी के विरोध में बोलेगा, सिपाही को ताकत है? तो चलिए, ये थे हमारे साथ बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर मेरे बेटे जो है वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर निर्दोष हैं तो छोड़ दिया जाए। लेकिन एक सवाल और है इनसे, हम इनसे पूछेंगे। एक आरोप और लग रही है कि आपके बस पे जो है पहले बबलू चंदा लिखा हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब महाकाल लिख दिया गया है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मैं बताता हूँ कि आपको अगर आप नामी आदमी हो गए तो आपका सहारा लेकर कोई चलना चाहता है। नहीं, आपके तो मेरे पूछ रहे हैं कि हाँ, तो मेरी गाड़ी ये बबलू चंदा है, तो मेरी गाड़ी के साथ में एक मेरा बहन का, चचेरी बहन का, मतलब बड़ा भगना का गाड़ी है, तो वो भी बबलू चंदा बोर्ड रख लिया। तो गाड़ी का बोर्ड से मतलब नहीं होता, गाड़ी किसकी है ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर से मालूम होता है ना। तो लोग तो ये कह रहे हैं ना, तो उनकी ज्ञान नहीं है ना, आपकी गाड़ी चंदा नाम हटाकर मेरी जितनी गाड़ी है, मेरे काल कर दिया गया। मेरे नाम से 10 गाड़ियां हैं, 10-12 गाड़ी मेरे नाम से है, बबलू चंदा लिखा हुआ है, तो अभी भी बबलू चंदा मिलेगा आपको। मेरे नाम से गाड़ी है, जो मेरे नाम से गाड़ी नहीं थी, आपके नाम से गाड़ी थी, तो आपने देखा कि अभी बबलू चंदा की बदनामी हो गई तो आपने अपना बबलू चंदा हटा लिया, लेकिन वो मेरी गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खंगाला जाए कि उसका रियल ओनर कौन है, और जिसका ओनर दिलीप कुमार सिंह है। हम अपनी गाड़ी जो है, सारी गाड़ियां मेरे नाम से है, एक गाड़ी मेरी पत्नी के नाम से है ना, तो मेरी गाड़ी जो ओनर बुक मेरे नाम पर है, उस गाड़ी को कहीं दिखा दिया जाए कि भाई उसमें बोर्ड बदला गया। तो चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ बबलू चंदा के संचालक। इन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बबलू चंदा जो बस है वो अभी भी मेरा है, अगर जो बस मेरा नहीं है उस पर महाकाल लिखा हुआ है। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश।